हेलो फ्रेंड्स, टोयोटा ने अपना नया हैचबैक कार टोयोटा राइडर मारुति सुजुकी वैगनर बेस्ड लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वैगनर और राइडर के बीच में क्या फ़र्क होने वाला है। तो दोस्तों, प्राइस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वेबसाइट पे इसके पिक्चर जो है वायरल हो रहे हैं, जैसे गाड़ीवाले.com और दूसरे वेबसाइट पे इसके फ़ोटो जो है आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं टोयोटा राइडर जो है कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मारुति सुजुकी वैगनर बेस्ड होगा, मगर वैगनर से कुछ मामलों में अलग होने वाला है। जैसे कि दोस्तों, इसका इंटीरियर वैगनर से हटके होने वाला है और एक्सटीरियर लुक भी काफ़ी हद तक चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि फ्रंट बम्पर आप ऑलरेडी स्टार्टिंग फोटो में देख चुके हैं, और इसका इंटीरियर भी थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में आएगा, वैगनर के तरह नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मारुति सुजुकी वैगनर का इंजन जैसा है, उसी तरह का इंजन जो है टोयोटा राइडर पे टोयोटा का देखने को मिल सकता है। जैसा कि वैगनर पे अभी जो इंजन है 1.0 लीटर का है, 1.2 लीटर का है, और सीएनजी पे भी 1.0 लीटर का इंजन है, जिसमें माइलेज इसका बेहतरीन है, 33 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों, सेफ्टी के मामले में बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनर जो है हाईटेक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, और टोयोटा का जो राइडर आने वाला है वो मारुति सुजुकी वैगनर से कहीं बेहतर होने वाला है, सेफ्टी के मामले में, फीचर्स के मामले में। और प्राइस के मामले में देखा जाए तो वैगनर का प्राइस फिलहाल 4.5 लाख से स्टार्ट होता है एक शोरूम, तो इसी तरह यहाँ पे राइडर का जो प्राइस है 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होने का अंदाज़ा लगाया जाता है।